वालेकुम। तो आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी चाट भी कह सकते हैं इसे, आप सैलड भी कह सकते हैं, रेड बीन्स की, जिसे किडनी बीन्स भी कहते हैं, रेड बीन्स भी कहते हैं, लाल लोबिया भी कहते हैं। ये देखें जी, हम लोगों ने ले लिए हैं रेड बीन्स, साथ में चिकपीस, वाइट चने, ये रेड बीन्स और थोड़े से आलू हम लोगों ने बॉयल कर लिए हैं। इनको अलग अलग अपनी जगह, इन तीनों को हम लोगों ने किया है बॉयल। इसको हम इसमें डाल लेते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें लाल लोबिया भी है। हम लोगों ने इसको अलग बॉईल किया, इसको अलग बॉईल किया, आलूओं को हम लोगों ने किया अलग बॉईल, आलूओं को हम लोगों ने अलग बॉईल कर लिया। बहरहाल ये बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि रेड बीन्स आपको पता है खून बनाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके, आपको सेहत में हेल्थ वाइज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं रेड बीन्स। साथ चिक पीस का अपना एक बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। साथ ही हमने पोटैटो एक बॉईल किया हुआ है, साथ ये दो अनियन हम लोगों ने ऑमलेट वाले चॉप कर लिए हैं, और साथ ही धनिया पुदीना भी फाइनली चॉप कर लिया। इसके लिए हम लोगों को चाहिए थोड़ी सी इमली की चटनी, साथ में सॉल्ट, और बाकी ये आपको बताया है धनिया पुदीना, और ये प्याज, और थोड़ा सा इसमें डलेगा चाट मसाला। ये हम लोगों ने ले लिए हैं अपनी तीनों चीज़ें। हम लोग इसमें डालने के पहले चटनी, चटनी हम लोगों ने डाल ली है इसमें। अब हम लोग साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन सॉल्ट समझे कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना है। थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला, पिंच, साथ हम लोग इसमें डाल देंगे अपना प्याज, इसको अच्छे से एक दफा पहले कर लेंगे हम मिक्स। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक खीरा। इसमें सारी ही चीज़ें बहुत हेल्दी हैं, जैसे कि आपको पता है प्याज के अपने बहुत फ़ायदे हैं, खीरे के अपने बहुत फ़ायदे हैं, गर्मियों में भी, गर्मियों में स्पेशली सैलड के आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का, बहुत ठंडा है इसकी तासीर भी, और साथ ही लाल लोबिया का अपने बहुत फ़ायदे हैं। इसको अच्छे से कर लेंगे हम लोग मिक्स। इसको आप लोग साइड डिश के तौर पे दावतों पे भी बना सकते हैं, सैलेड को अपने घर पे भी बना सकते हैं खाने के लिए, खाने के साथ, और जितना दिल करे चाहे इसको खाएं, क्योंकि ये डाइट भी है एक किस्म का। इसमें हम लोगों ने आपके सामने कुछ ऐसा नहीं डाला। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना चॉप्ड धनिया और पुदीना। इसको अच्छे से कर लेंगे अब हम मिक्स। और जी ये सैलड हमारी तैयार है, इसको अब हम लोग फ्रिज में रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए।